सभी को जय सियाराम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदकर। अभी अभी सिकंदराबाद में जिस तरह से जो घटना हुई है, सिकंदराबाद बंद के दौरान मुत्यालु माता मंदिर के पास सभी हिंदू संगठनों द्वारा वहां पर शांतिपूर्वक अपना ध्यान लगाने के लिए जब सनातनी हिंदू भाई वहां पर गए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कईयों के हाथ टूट गए, कईयों के पैरों को मारा गया और इतने लोगों के सर भी फूटे। लेकिन इसके बावजूद अब तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, ना इनका स्टेटमेंट है ना इनका जवाब है। आज तेलंगाना के जितने भी सनातनी हिंदू भाई है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सवाल पूछ रहे, आप जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से तेलंगाना और हैदराबाद में ना मंदिर सुरक्षित है ना यहाँ पे कोई हिंदू सुरक्षित है। चाहे वो चंगीचरला का एरिया हो, बंडलागुड़ा हो या एग्जीबिशन हो, मंदिर तोड़ने का काम गैर धर्म के लोग कर रहे और मार रहे किसको पुलिस डिपार्टमेंट में, सनातनी हिंदुओं को जो कि मंदिर बचाने का काम कर रहे। ये पुलिस डिपार्टमेंट को नितिन नंदकर की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, आप अगर इस तरह से तेलंगाना में सनातनियों के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुओं को भी कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो। आपका काम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखना है, आपका काम लॉ एंड ऑर्डर को सिस्टम से बना के रखना है। उतनी बड़ी तादाद जब आई है तो आप फोर्स लेके उतरना था, स्टेट का फोर्स नहीं है तो सेंट्रल की फोर्स मंगा लेना था, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर इतनी बड़ी लाठी चार्ज हुई। इसका मतलब सीधे सीधे यही जाता है कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के आदेश अनुसार पुलिस डिपार्टमेंट लाठी चार्ज नहीं कर सकती। मैं सभी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करता हूं, अगर आपका जमीर जिंदा है तो आप अगर इसी तरह से खामोश बैठेंगे तो आज आपके सर फोड़े गए हैं, कल आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए हमें सबको सनातनियों को जगना है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को मुंह तोड़ जवाब देना है। आगे की कार्रवाई कल से हम दिखाएंगे कि हम सनातनी क्या है।